गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और मेरा नाम है चंदन सिंह चौहान और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो जॉब फिटनेस। और आज हो चुका है 31st of December और आज इन लोगों की प्लानिंग चल रही है पार्टी करने की कि न्यू ईयर पार्टी करेंगे। कितने पैसे मिले तेरे को पार्टी करने के लिए? मुझे 100 मिले बट बोल रहे कि 50 का लाना है, 50 वापस करना है। और इसको देखो, ये ना नहाना ना धोना, बस लेट। हाँ, कल पापा नहा लिया। ये कब नहाए? कल। हाँ। और आज कौन नहाएगा? बताओ, इनको लग रही है ठंड और ये लोग कह रहे हैं कि कल आएंगे क्योंकि कल न्यू ईयर है। और इसका भी एक पार्टी का बजट है। कितना है आपका पार्टी का बजट? 50 बक्स। और मेरे पास कितने पड़े हुए हैं? 20, 30, 40। ये लो 10 रुपीज़ से ऐसे उधार ले लेना। ये लो, अम्मा देने नहीं वाली, अम्मा की पैसे दे देंगी। तो अभी बस हम नीचे दुकान पर चलते हैं, बच्चों को थोड़ा सा सामान दिलाते हैं क्योंकि इनको अपनी पार्टी का सामान लेना है। और आज मेरा भी ऑफ है ऑफिस का, तो वी आर गोइंग टू बी बॉनफायर इन अ नाइट। बट राइट नाउ अभी हम जा रहे हैं दुकान पे ताओ ताकि इनको सामान लेके दिला दें। हाँ, और एक ये फाड़ दो। हाँ, ये भी, ये भी, ये भी। और एक टेढ़ा मेढ़ा फाड़ दो। अभी गिनो कितने हुए हैं। तो इनके हो गए मेरे जी, पैकेट नहीं तेरे हुए। 2, 3, 4, 5। तो फाइनली इन लोगों ने सामान ले लिया अपना और अब हम जा रहे हैं घर। और तूने क्या क्या लिया? मैंने बहुत सारा सामान ले लिया बस। और आपने क्या क्या लिया? मैंने 40 रुपीज़ का सामान लिया, अभी मेरे पास 10 रुपीज़ बाकी है। और हमें जाने से पहले मतलब हम जब ऊपर चढ़ेंगे हमें मिल गया प्रथम लाल द घोस्ट राइडर। ये देखो, ये प्रथम लाल द घोस्ट राइडर है। आपने कई बार देखा होगा इसको मेरी वीडियो में। ये रात से खासे थे, रात में गायब हो जाता है ये। तो अभी सीधा हम ऊपर चल रहे हैं। तो भैया बच्चों, तो अपना सामान लेके आ गए, ठीक है। और मम्मा मेरे लिए इसमें नाश्ता बना रही है। नाश्ता क्या, अगर मैं टाइम दिखाऊँ, ये देखो 1:30 बज रहे हैं, लेकिन ये मेरे नाश्ते का टाइम है क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करके 12:30 बजे उठा था। और अभी मम्मा बना रही नाश्ता पराठे और मेरे लिए बना है मिक्स वेज। और मैं अपने लिए कहता चाय, जबकि है तो थोड़ी सी। तो नाश्ता करके एक मनी प्लांट ठीक करना है, दूसरा घर रैपअप करना है तरीके से। और अपना नाश्ता करते हैं। तो ये है अपना नाश्ता। जैसा मैंने बताया था, जो मेरा मनी प्लान था नीचे वो ऊपर पहले रखा था, तो उसको ठंड लग गई थी, वो सूख रहा था। तो अभी उसको ढकने के लिए मैं ये कट्टा लेके आया हूँ ताकि उसको इस कट्टे से ढक देंगे रात के लिए, ठीक है। और ये मनी प्लान ये रहा, इसकी कंडीशन अच्छी थी लेकिन जब से हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है ना, इसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है। और कहानी ये कि धीरे धीरे सूखने लगा है। तो इसमें पानी डाला था, प्लस जितने भी सूखे हुए पत्ते थे वो सारे सूखे पत्ते मैंने निकाल दिए थे इसके, ठीक है। अभी बैबीलाल बुला रहे मेरे को। आया क्या? रखा है कुर्सी पे किसी का? अच्छा, कुर्सी पे नहीं रखा, चलो मैं नहीं छेड़ूंगा। तो कहानी यही है कि इस मनी प्लान को दिन में यहाँ पे रखा है ताकि इसमें धूप लगे और थोड़ी इसकी कंडीशन ठीक हो। बाकी इसकी मिट्टी सूख गई है तो मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगा अभी। और शाम हो चुकी है इस टाइम पे, सूरज देव तो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। घर पर रहेगी? हाँ, मैं पार्टी करेगी। मैं सामान निकालना जा, कॉपी ले जा। पार्टी तो ऐसे करते हैं, सुनने भी ना देते हैं। पूरी रात जग गई, पूरी रात। क्या कहानी हुई थी कल? ये बेचारी हमारे घर से रात को 10 बजे गई इसका जाना। ये नहीं। फिर तो अपने मुंह से सच्चाई बता। नहीं, मैंने बताने चाहती। मैं बताऊं? हाँ? मेरे को नहीं, उनका भाई होते हुए। क्या भाई होते हुए? ये कहानी बताना चाहिए। चुप हो रही हो रही? नहीं हो रही। मैं तो बोलती हूँ। मारो उसके मुख। तो शाम हो चुके, प्रीति ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो आज हमारे घर में हमने अभी खाए थे नूडल्स जो दीने घर पे बनाए थे, और अभी ये बन रहे हैं मिर्च के पकौड़े, ठीक है। मिर्च के पकौड़े निकल रहे हैं। ये खा मंचूरियन की बॉल्स,
तो अब कुकर में बनी हमारे घर में पाव भाजी। तो फाइनली सवा नौ हो चुके हैं, ये देखो, और अब हमारा डिनर का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो आज हमारे पास डिनर में है मंचूरियन भाजी, ये पाव भाजी की भाजी है, फ्राइड राइस, और ये पाव, और ये जीरा बटर। हम अपना डिनर कर रहे हैं, डिनर के बाद हम सीधा जाएंगे बोन फायर करने के लिए। लोगों ने अपना खाना पीना खा लिया, हम लोगों का खाना हो गया, और अभी हम तीन लोग यहाँ बैठे हैं। देखो मैं सिया, और इसको बदमाशी करा लो कितनी, और ये रे बेबी लाल, समय हम लोग लेट चुके हैं, लेकिन बच्चों में से कोई भी अभी सो नहीं रहा, ये तीनों जने जगे पड़े, और हमारे घर में टाइमर चल रहा है नए साल का, पटाखे फूटने भी लगे, और ये देखो टाइमर चल रहा है 23 मतलब के 4, अभी इतना टाइम रहेगा, और इतनी थोड़ी देर के बाद ही हो जाएगा न्यू ईयर हो जाएगा, और हम लोग अटेंड करेंगे, और देखो सिर्फ 6 सेकंड रहे, 1 मिनट वह भी दूर करो ना से, और ये हो गया नया साल। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, 2022, और हम एंटर कर चुके हैं 2022 में, और बाहर शोर शराबा हो रहा है।